महल पर दावा, कुतुब मीनार पर दावा, तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी दावा, तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर दावा, बिहार में एक गांव पर दावा, दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा, और इसके बाद वक्फ के नाम पर एक नया दावा ठोका गया है। और इस दावे में अब देश की संसद, दिल्ली का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का पॉश इलाका वसंत विहार भी जुड़ गया है। असम के एक बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल जो कह रहे हैं कि यह सब कुछ वक्फ की जमीन पर बना है। अजमल का बयान आते ही समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के कई नेता, बड़े नेता उनके सुर में सुर बिनाने लगे हैं। इतना ही नहीं, वक्फ के बहाने भड़काने का खेल लगातार जारी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारे वक्फ को खत्म करने की तैयारी है और इसके खत्म होने के बाद ना ईदगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा और ना ही कोई मस्जिद बचेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है यह ध्रुवीकरण की चाल है। तो सवाल है कि क्या वाकई वक्फ और हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने समाज को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। आज जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आज हम करेंगे इसी मंच पर। वक्त के दावे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब इस पर सबसे सनसनीखेज दावा भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट है वो खुद भी, पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। ये आ गए, इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। और इस बयान के बाद भड़काने, उकसाने और सियासी आरपार का दौर शुरू हो गया। हमारे वक्फ को खत्म करने की तैयारी है तो ना ईदगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना खानगाह बचेगी, ना कोई मस्जिद बचेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कटोगे तो कटोगे, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? पहले शिकार हम हुए, अगले शिकार आप होगे। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी जमीनों पर बंदरबांट हो रहा है। भारत सरकार के अलहदा अलहदा मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा रखी है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा सरकार कब्जाएगी, अपने मंत्रालयों को काबिज कराएगी। अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा बेहूदा बयान है। 70 साल सत्ता में जो लोग रहे हैं या रीजनल पार्टीज के रहे हैं, उन्होंने वक्फ को लूटा है। देश के वजीर आजम ने, हमारा एक ही मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और जिन लोगों ने इसको लूट खसूट करा है उसको अकाउंटेबिलिटी पे लाया जाए। ये रायसीना हिल्स जो है, ये रायसीना गांव था जिसमें ज़्यादातर पिछड़े समाज के लोग रहते थे, गुजर ज़्यादा संख्या में थे। इसकी रिसर्च करनी चाहिए, दोबारा स्टेटमेंट अजमल साहब को इस पर जारी करना चाहिए। पुराने व्यक्ति हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आई थिंक उनके पास साक्ष्य होंगे। साक्ष्य हैं तो JPC के सामने रखें। JPC देश भर से सुझाव आमंत्रित कर रही है। अब जरा तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड सूत्रों के मुताबिक उसके पास नई संसद और एयरपोर्ट से जुड़ा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन वक्फ को लेकर एक और बड़ी सियासत चल रही है। वक्फ पर बनी JPC की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा दिया। वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी सियासी पारा हाई है। विपक्ष ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण का आरोप लगा रहा है, और तो और सहयोगी JDU के नेता भी इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता वक्फ के नाम एक वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस।
और अब आज की बहस के मुद्दे क्या है? वक्फ के नाम पर भड़काने और भ्रम फैलाने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। वक्फ की डिमांड बेलगाम हो गई है, नए कानून का अभी यही सही वक्त है, और क्या सियासी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो बदरुद्दीन अजमल के समर्थन में आ गई है जो कह रहा है कि भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बना है और दिल्ली का एयरपोर्ट भी। चौथी बात और चौथा मुद्दा, वक्फ और बीजेपी की हिंदू जागरण स्वाभिमान यात्रा जो है उसके पीछे पोलराइजेशन का इशू है, यानी ध्रुवीकरण का मुद्दा है। तो ये चार मुद्दों के ऊपर आज की चर्चा होगी। जोरदार अभिनंदन करिए आज के मेहमानों का, शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हैं प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, और साथ ही है जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय जो कि